So the saint reached the court of Dharmraj through his powers. तो अपने powers के ज़रिए जो saint साधु थे वो धर्मराज के court पहुँच गए. He said, O God of justice, वहाँ जाकर वो कहते हैं कि न्याय करने वाले God, why was I punished so severely? मुझे इतनी बुरी तरह, severely means बुरी तरह, इतनी बुरी तरह क्यों सज़ा दी गई? What wrong had I done? मैंने क्या गलती की थी? The God replied, good sir. तो God ने reply किया, बहुत अच्छे sir. As a little amount of charity earns a rich reward, a small sin brings in severe punishment. जैसे कि हम कोई दान करते हैं, छोटी सी ही कोई भी दान, हम कम राशि में कोई दान करते हैं तो उसका जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है, वो बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है. और हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ भी छोटी सी किसी की हेल्प करते हैं या कोई चैरिटी करते हैं तो उसका हमें जो इनाम मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है. तो जब हम कोई छोटी सी कोई गलती हो जाए, हमसे कोई पाप हो जाए तो उसकी पनिशमेंट भी तो बड़ी होगी. यस और नो चिल्ड्रन? यस, हम ये सोचते हैं कि छोटी सी तो गलती हुई है हमसे तो हमें इसकी सज़ा छोटी ही मिलेगी. बट ऐसा नहीं है. जब हम कोई चैरिटी करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो हम उसका इनाम चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इनाम मिले. तो इसी तरह जब हम कोई गलती कर देते हैं, कोई पाप हो जाता है हमसे, तो उसकी पनिशमेंट भी हमें ज़्यादा ही मिलती है. ओ सेंट, आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता से बाहर, यू हैड पियर्स्ड अ पॉइंटेड स्ट्रॉ थ्रू द बॉडी ऑफ एन एंट व्हेन यू वर ओनली 12 इयर्स ओल्ड. सो चिल्ड्रन, जो गॉड है वो साधु से क्या कहते हैं कि आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता से बाहर, के तुम्हें मालूम नहीं था जब तुम 12 साल के थे, सिर्फ 12 साल के थे, तो तुमने एक चींटी को एक स्ट्रॉ से, यस एक स्ट्रॉ, स्ट्रॉ सबको पता है क्या होता है, एक टिन का, तो स्ट्रॉ से उसकी बॉडी पर पॉइंट कर करके उसके में छेद कर दिए, उस चींटी के छेद कर दिए जब सिर्फ तुम 12 साल के थे. सो द डिवाइन लॉ सेज इवन इफ द रॉन्ग इज डन इन इग्नोरेंस अ पर्सन हैज टू सफर फॉर इट. तो कानून क्या कहता है कि अगर गलती से भी, यस अगर आपको नहीं पता, आपने भूले से वो गलती कर दी, तब भी आपको उसकी सज़ा मिलेगी. द सेंट गॉट हिज आंसर, तो साधु को अपना जवाब मिल गया. ही केम बैक टू हिज हट, वो अपनी हट में वापस आए, एंड स्टार्टेड हिज मेडिटेशन एज यूजुअल, और पहले की तरह उन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया. सो चिल्ड्रन, लाइक मांडव्य, चिल्ड्रन आर जनरली इग्नोरेंट ऑफ गुड एंड ईविल इन देयर चाइल्डहुड. तो मांडव्य की ही तरह बच्चे, जब हम बच्चे छोटे होते हैं, यस अपने चाइल्डहुड में, बचपने में, उन्हें सही गलत का पता नहीं रहता तो वो गलती करते हैं. यस दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रिज़ल्ट ऑफ देयर एक्शंस, उन्हें नहीं पता होता है कि जो वो कुछ गलत कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उसका उन्हें क्या रिज़ल्ट मिलेगा. यस दे डू रॉन्ग थिंग्स जस्ट फॉर फन इन इग्नोरेंस एंड इनोसेंस, अपनी अज्ञानता में, अपनी मासूमियत में वो गलती कर देते हैं उन्हें क्योंकि नहीं पता रहता. यस तो वो ऐसे ही फन में गलती कर देते हैं. दे डू नॉट हैव एनी इल विल टूवर्ड्स एनी वन दो, तो उनके मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं होती. यस कुछ ऐसा गलत नहीं होता कि नहीं मुझे इससे बदला लेना है, नहीं. तब तो बच्चे होते हैं तो बच्चों के मन में कोई ऐसी भावना नहीं होती है, तो गलती से उनसे मासूमियत में, अज्ञानता में उनसे वो गलती हो जाती है. बट बाय द एज ऑफ 7 और 8, लेकिन जब आप 7 या 8 साल के हो रहे होते हो, अ चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड गुड एंड बैड.
तो अब बच्चे को पता चलने लगता है कि सही क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है. यस, वो उसमें डिफरेंस करने लगता है. सो इफ़ अ चाइल्ड डज एनी रॉन्ग एट दैट एज, अगर उस एज में वो बच्चा गलती करता है, ही हैज़ टू अंडरगो पनिशमेंट फॉर इट, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है. यस, आप भी जैसे कभी कोई गलती कर देते हैं तो आपके फादर मदर आपको छोटी छोटी सी पनिशमेंट देते हैं. तो जब आपसे कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो जाए, यस, इग्नोरेंस में कभी कभी हम जानबूझकर भी कर देते हैं और कभी हम इग्नोरेंस में भी कर देते हैं, सो गॉड भी हमें उसकी पनिशमेंट देता है. सो वी शुड नॉट डू द बैड थिंग्स. Thus, one should keep off doing wrong whatever the age. तो आपकी एज कितनी भी हो जाए, कितनी भी हो, आपको गलत काम नहीं करना है. Yes? So, according to the law, कानून के मुताबिक क्या है children? Ignorance of law is no excuse. अब कानून चेंज हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? अगर आप इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे आप कि मुझसे ये गलती से हो गया, मुझे मालूम नहीं था, यस, मुझे मैं अज्ञानता से मुझसे ये गलती हो गई, तो ये आपका एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा. द कोर्ट्स नेवर पार्डन अ पर्सन इफ ही हैज़ कमिटेड द रॉन्ग इन इग्नोरेंस. तो कोर्ट भी इस बात के लिए माफ़ नहीं करता है कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई है अज्ञानता में, इग्नोरेंस में, भूले में, तो आपको इसकी माफ़ी मिल जाए. यस, तो ये नहीं होगा. तो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल सेइंग अबाउट इग्नोरेंस. इग्नोरेंस के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन कही है एक फेमस चाइनीज फिलोसोफर ने. सो व्हाट ही सेड, Ignorance is the night of the mind, but a night without moon or star. Ignorance जो है उन्होंने कहा है वो एक अंधेरी रात की तरह है. और अंधेरी रात कौन सी? वो रात जिसमें मून और स्टार नहीं होते. यस, अब अंधेरी नाइट में तो मून और स्टार होते हैं, तो उससे तो रोशनी होती है. तो इग्नोरेंस को उन्होंने बिल्कुल एकदम काला अंधेरा अंधेरा बताया है, जहाँ पर बिल्कुल भी कोई रोशनी नहीं होती. तो इग्नोरेंस को उन्होंने अंधेरा वो वाली रात बताई है जिसमें आपके न मून है और ना स्टार है. सो चिल्ड्रन, हमें आगे से गलती से भी भूले से भी गलती नहीं करनी है. गलती हो जाती है, यस, बट जानबूझकर भी हमें नहीं करना है और गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है. हमें आगे से ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी. जैसे कि आपने स्टोरी में देखा, सेंट को पनिशमेंट मिली. यस, सो वो तो सिर्फ वो 12 इयर्स के थे जब उनसे ये गलती हुई थी. एंट की बॉडी में उन्होंने स्ट्रॉ से एक तिनके से उन्होंने उनकी बॉडी में छेद कर दिए थे एंट की. यस, तो आपको लगेगा कितनी छोटी सी गलती है, तो उसके लिए भी उन्हें पनिशमेंट मिली. यस, उन्हें कोड़े पड़े. इसी तरह हमें भी आगे से ध्यान रखना है. अब हमें आप सबको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. सो हमें हमेशा अच्छे सही रास्ते पर चलना चाहिए और आगे से कोई गलती नहीं करें. आप इस पर वर्क करें. यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. रीड दिस स्टोरी एटलीस्ट 2-3 टाइम्स सो यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेल. Yes, that's all for today, children. Thank you. Bye.